आज हम हिंदी विषय में प्रयोजन मूलक हिंदी विविध आयाम इस पुस्तक से चौथा पाठ कार्यालय हिंदी मतलब राजभाषा के प्रमुख कार्य देखेंगे। उसमें प्रारूपण, संक्षेपण, टिप्पण, प्रतिवेदन यह चार प्रमुख भाग है, इसका अध्ययन हम करेंगे। पिछले तीन भागों से हम यह पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने प्रारूपण, उसकी विशेषताएं, उसके विविध अंग देखे, संक्षेपण, उसकी विशेषताएं और उसके विविध प्रमुख जो अंग है वो हमने देखे। तो आज हम संक्षेपण के कुछ उदाहरण देखेंगे। संक्षेपण के उदाहरण, इस संबंध में दो मत नहीं हो सकते हैं कि युद्ध त्याज्य वस्तु है और शांति संसार के लिए आवश्यक होती है और अभिष्ट है। आज यह बात सुनने में शायद आश्चर्यजनक जान पड़े कि अब से कुछ वर्ष पहले तक युद्ध को शांति स्थापन करने का साधन समझा जाता था और कई बड़े बड़े राष्ट्रों का यह विचार था कि वे अपने शस्त्रों की संख्या को बढ़ाकर संसार में शांति बनाए रख सकते हैं। परंतु अनुभव ने उसकी धारणा को मिथ्य सिद्ध कर दिया है। युद्ध की सजा अंत में युद्ध स्वीकार करके ही छोड़ती है। इसीलिए यदि युद्ध का बहिष्कार अभिष्ट है तो हमें उसका आरंभ अहिंसा और प्रेम की भावना से ही करना होगा। वस्तुतः प्रेम और अहिंसा द्वारा ही न केवल शांति स्थापित की जा सकती है तो अपितु सारे संसार को एक सुखमय राज्य बनाया जा सकता है। किंतु इसके लिए हमें भगवान बुद्ध के बताए हुए उपदेशों का आचरण करना चाहिए, जिसका अशोक ने किया था। जिन अशोक ने योग किया था तभी हम भी अशोक की भांति एक सुखमय संसार के निर्माण में योग दे पाएंगे। संक्षिप्तीकरण, शांति की स्थापना प्रेम और अहिंसा से ही संभव है। सभी लोग युद्ध को त्याज्य और शांति को अभिष्ट मानते हैं। शास्त्रों के वृद्धि करने की शांति स्थापित कर पाने की कुछ बड़े राष्ट्रों की धारणाएं गलत सिद्ध हुई है। शांति की स्थापना के लिए प्रेम और अहिंसा का ही मार्ग है। बुद्ध के बताए इस मार्ग पर चलकर अशोक की तरह हम भी संसार को सुखी बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उद्योग विदेशी उद्योग से टक्कर लेने की क्षमता कैसे पैदा करें, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। शुरू में देश के अर्थतंत्र में मूल क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना में सरकार ने मुख्य उद्यमी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रहित में आधारभूत उद्योगों की आवश्यकता को समझते हुए बहुत से उद्योगों को अनेक प्रकार से संरक्षण प्रदान किया और देश विदेश प्रतिद्वंद्वी उद्योग द्वारा मुकाबले की चोट से बचाने की हरचंद कोशिश की गई। पिछले तीन दशकों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई उद्योगों ने काफ़ी उन्नति की है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं बायोटेक्नोलॉजीज आदि के क्षेत्रों ने नवतम उद्योगों के आगमन पर नई दौड़ाई वो एक नज़र दौड़ाई है। वहाँ पे जाए तो राष्ट्र की विकास यात्रा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अभी संक्षिप्तीकरण का उन्होंने एक अर्थ बताया है कि भारतीय उद्योग को विश्व बाजार में टिकने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आरंभ में सरकार ने राष्ट्रहित में आधारभूत उद्योगों की कई प्रकार की सहायता भी की है, उन्हें प्रोत्साहन भी दिया है। परिणाम स्वरूप अनेक उद्योग उन्नत भी हुए। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भारतीय उद्योग की प्रगति विशेष सराहनीय रही। सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द्य बनाए रखने के लिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रेम से प्रेम और विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि घृणा से घृणा का जन्म होता है तो दावाग्रह की तरह सबको जलाने का काम करता है। महात्मा गांधी घृणा को प्रेम से जीतने का विश्वास कहते हैं। उन्होंने सर्वधर्म समभाव द्वारा सांप्रदायिक घृणा को मिटाने का आजीवन प्रयत्न किया है।
सभी धर्म आत्मा के शांति के लिए भिन्न भिन्न उपाय और साधन बनाते हैं। धर्मों में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। सभी धर्म सत्य, प्रेम, समता, सदाचार और नैतिकता पर बले देते हैं। इसलिए धर्म के मूल पे पार्थक्य भेद नहीं है। संक्षिप्तीकरण उसका यह होगा, सांप्रदायिक सद्भाव परस्पर प्रेम से उत्पन्न होता है। घृणा का भाव एक अग्नि की तरह है जो सभी को जलाता है। गांधी जी सदा सर्वधर्म समभाव पर बल देते हैं। सभी धर्म आत्मिक शांति के उपाय बनाते थे। सभी धर्म के मूल में सत्य, प्रेम, समानता और नैतिकता के भाव निहित थे और इसका शीर्षक आएगा सांप्रदायिक एकता। अभी हमने दो तो उसके उदाहरण देखे हैं कि हम वो किस तरह से संक्षेपण कर सकते। अगर ये संक्षेपण कुछ अधिक लाइनों में होगा तो वो हम संक्षिप्त में छोटा करके वो चार लाइनों में लिख सकते हैं। जैसे वो हमने पहले देखा है उसमें, अभी हमने देखा कि एक बाजार उद्योगों में सरकार गवर्नमेंट कैसे लोगों को मदद करती है, उसका जो एक पैराग्राफ हमने देखा उसका संक्षिप्तीकरण किया तो उसकी सिर्फ चार लाइन बन गई। तीसरे इसमें सांप्रदायिक प्रेम विश्वास के में कैसे जीना है, महात्मा गांधी जी ने कैसे घृणा को प्रेम में जीता है, यह सब 5 से 6 लाइन में था वो पैराग्राफ। वो हमने 3 या 4 लाइन में लिखकर उसको शीर्षक दिया है और वह शीर्षक है कि सांप्रदायिकता ही एकता है। इस तरह हम कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो या एक पेज हो वो हम महत्वपूर्ण शब्दों से उसका संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं। आगे है, प्रस्तुत अवतरण में सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द बनाए रखने के लिए इसे आवश्यकता बताया गया है। प्रेम और विश्वास को सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द के लिए आवश्यक बताया गया है। सभी धर्म किस आचरण पर बल देते हैं? सभी धर्म सत्य, प्रेम, समानता और नैतिकता पर बल देते हैं। इस तरह से उसके प्रश्न उत्तर है। तीसरा है, प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। उत्तर है, रेखांकित पंक्तियों के अनुसार घृणा वह अग्नि है जो सिर्फ जलाने का काम करती है तथा वह शीतलता प्रदान न करते हुए घृणा रूपी अग्नि को जन्म देती है। घृणा से इस प्रकार घृणा ही फैलती है। चौथा उदाहरण उन्होंने दिया है, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उपयुक्त पात्रों को वस्तु नहीं मिलती। जो बूंद सीप में गिरकर मोती बन जाती है वह गंदगी में गिरकर मलिन हो जाती है। जो निरंतर जलकण भूमि से अंकुर उगाते हैं वह पाषाण की कठोर खाइयों में सूख जाते हैं। जो गंध अपने आप को पुलकित करते हैं वह लू में झुलस जाती है। सृष्टि शासक के यह कैसे अनुदार निर्णय है, इस पर कभी कभी सामान्य बुद्धि को भी तरस आ जाता है, हंसी आ जाती है। इस इतने बड़े लाइन का संक्षिप्तीकरण 2 लाइन में ही दिया है, 2-2.5 लाइन में इसका संक्षिप्तीकरण खत्म होता है। इस सबका सार या संक्षिप्तीकरण एक ही है कि इस जीवन की विषमता का विशेष अधिक्य है। आवश्यकतानुसार वस्तुओं की प्राप्ति इस जीवन में कभी नहीं होती। अंतेव सृष्टिकर्ता के शासन को देखकर तरस आता है, उसका शीर्षक होगा विधि का विचित्र विधान। इस तरह से हम संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं। पांचवा उदाहरण दिया है, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि में भी है। अपने को एक राष्ट्र के निवासी मानने वाले दो व्यक्ति किसी विदेशी भाषा में बात करें यह हास्यास्पद असंगति है। इस बात का द्योतक भी है कि उस देश में कोई सुमन्नत राष्ट्रभाषा नहीं है। दूसरों के सामने हाथ पसारना समृद्धि का नहीं दरिद्रता का चिन्ह है। दूसरे की भाषा से काम चलाना भी बहुत कुछ वैसा ही है। जिसकी अपनी भाषा है वह दूसरों की भाषा क्यों उधार ले, इससे राष्ट्रीय सम्मान में बट्टा लगता है। विदेशों में जाने पर भारतीयों को अंग्रेजी में बात करते देखकर वहां के निवासी आश्चर्य से पूछ बैठते हैं कि क्या आपकी अपनी कोई भाषा नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर भी किस तरह से होगा,
क्या उत्तर दिया जाएगा। भाषाएं तो हमारी यहाँ अनेक है, एक से एक बढ़कर सुंदर और समृद्ध। हम हीन भावना के कारण उनको नहीं अपना पाते, अपनी साहित्यिक और भाषिक समृद्धि पर संदेह बना सकते। इसका संक्षिप्तीकरण आएगा, राष्ट्र के सम्मान के लिए राष्ट्रभाषा का होना अत्यावश्यक होता है। अपनी एक सुंदर और समृद्ध भाषा होने के उपरांत भी किसी दूसरी भाषा का सहारा लेना उचित नहीं लगता। राष्ट्रभाषा को अपनाने के कारण अपने लोगों को उस पर भाषिक और साहित्यिक समृद्ध होने का भ्रम है। अपने भाषा के होते हुए दूसरी भाषा में अभिव्यक्त करना दरिद्रता का द्योतक। छठा भी उदाहरण उन्होंने दिया है, भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति का और सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण वो अर्धांगिनी घर की व्यवस्थापिका होने के कारण लक्ष्मी श्लाघनीय गुणों के कारण वह देवी कहलाती है। स्वार्थ और भोग लालसा को छोड़कर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान द्वारा समय समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग खोजा है। उस शक्ति के सामने यमराज को भी हारना पड़ा है। सती, सावित्री, वीरांगना लक्ष्मीबाई, तपस्विनी उर्मिला की दिव्य झांकियां प्रेरणा स्रोत है और पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता का निवास करते हैं। इसका संक्षिप्तीकरण आएगा, भारतीय नारी त्याग, न्याय, शक्ति तथा सेवा का प्रतिरूप है। वह पुरुष के लिए अर्धांगिनी, लक्ष्मी और देवी है। विपत्ति के अंधकार में प्रकाश पुंज है। भारतीय अतीत गौरवशाली नारियां पुरुष की प्रेरणा स्रोत रही है। नारी सम्माननीय। इस तरह से इतने बड़े पैराग्राफ का 3 लाइन में ही संक्षिप्तीकरण होता है। अगर अभी हम तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, टिप्पण। आज हमने प्रारूपण देखा, संक्षेपण देखा, तीसरा है टिप्पण। कार्यालय में बाहर से आने वाले पत्र आदि अथवा कार्यालय के ही कर्मचारी द्वारा दिए गए विविध प्रकार के प्रार्थना पत्र आदि पर समक्ष अधिकारी को उस प्रकार यथावश्यक निर्णय लेने में सहायता देने के उद्देश्य से उस विषय से संबंधित कार्यालय की नीति, कार्य की स्थिति तथा रीति के अनुरूप लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी को टिप्पणी या नोट कहा जाता है। टिप्पणी लेखन को ही टिप्पण नोटिंग कहा जाता है। प्रशासकीय पत्राचार में टिप्पण का विशेष महत्व है। फाइलों पर टिप्पण का विशेष स्थान है। जब भी कोई मामला विचारार्थ प्रस्तुत होता है तो उच्च श्रेणी क्लर्क या अपर लिपिक या सहायक मामलों को स्पष्ट करने के लिए फाइल पर आवश्यकतानुसार विस्तार से टिप्पणी लिखते हैं। यह टिप्पणी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी और फिर वहां से होती है हुए सूक्ष्म अधिकारी तक पहुंच जाती है, जिसे उस पर अंतिम निर्णय लेना पड़ता है या आदेश देना पड़ता है। आवश्यकता होने पर अथवा उलझन होने पर मामला मंत्री महोदय अथवा मंत्रिमंडल पर तक की पहुंच जा सकता है। इस प्रक्रिया में टिप्पणियों के माध्यम से जो भी अंतिम निर्णय लिया जाता है उसी के आधार पर मसौदा तैयार होकर स्वीकृति ले के लिए जाता है। इसी तरह टिप्पणी ही एकमात्र ऐसा सशक्त माध्यम है जो सरकारी कामकाज को उचित दिशा में प्रचलित कराता है। अब टिप्पणी संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति निम्नानुसार जी दी जा सकती है, टिप प्लस कीप, टिपा पन्यते स्तुयते, टिप प्लस पन प्लस टच प्लस डीप, टिप प्लस करने ल्यूट, टिप्लियत व्याख्याते। इस प्रकार टिप्पण शब्द से इस प्रकार का बोध होता है, किसी वाक्य या प्रसंग का विस्तार के साथ अर्थ सूचित करने वाला विवरण, मतलब टिप्पण, टीका, व्याख्या या भाष्य।
कभी कभी भाष्य पर लिखी गई व्याख्या के लिए हिंदी में टिप्पणी का प्रयोग अंग्रेजी शब्द में नोटिस के अर्थ में किया जाता है। अंग्रेजी में नोट का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट ब्रीफ रिकॉर्ड या स्टेटमेंट के अर्थ में 15वीं शताब्दी में किया जाता है। आगे चलकर इसके अर्थ में कमेंट एनोटेशन संक्षिप्त पत्र के भाव में विस्तार हो गया है। नोटिस शब्द अंग्रेजी में नोटिंग से ही, जिसके मूल लैटिन नोटा पुरानी लैटिन इंडोनेक्स इज नो नो आई है, जो मार्क साइन रिटर्न कैरेक्टर क्रिटिकल रिमार्क के अर्थों में चला। हिंदी में भी यह विभिन्न अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है। संक्षिप्त रूप से किसी मामले को प्रस्तुत करना, प्रारंभ में नया मामला प्रस्तुत करना, संपूर्ण मामले का सारांश, स्वतः पूर्ण अथवा स्वतः स्पष्ट नोट प्रस्तुत करना, इस तरह के एक प्रकार की परिभाषा टिप्पणी की पहल कही गई है। अभी इस भाषा में इस शब्द की दूसरी सरल बहुप्रयुक्त वर्तनी टिप्पणी संभव इसलिए त्याग दी गई है क्योंकि इससे उसके विकसित रूप टिप्पणा का प्रयोग जन्म पत्री कुंडली के साथ किया गया है। अभी यहाँ पे नीचे कुछ विद्वानों ने टिप्पणी के लिए परिभाषाएं बनाई है, वो हम देखेंगे। टिप्पणी तटस्थ भाव से और अन्य पुरुषों के लिए लिखा गया एक ऐसा मंतव्य है जिसमें लेखक विचाराधीन नीति योजना समस्या प्रश्न अथवा प्रकरण के पूर्वापार से संबंध आदेशादि पर परीक्षण का एवं तत्विपयोग कानूनी आर्थिक तथा व्यावहारिक पहलुओं के पक्ष विपक्ष पर सोच विचार कर कार्यवाही करते हेतु आंशिक या पूर्ण स्पष्टीकरण टिप्पणी सुझाव आदेश अनुदेश प्रस्तुत करता है। दूसरा है टिप्पणियाँ वे बातें हैं जो विचाराधीन कागजों के बारे में इसीलिए लिखी जाती है कि मामले को निपटाने में सुविधा हो, कार्यान्वयन पद्धति भारत सरकार। तीसरा है टिप्पणी का उद्देश्य उस बातों को जिन पर निर्णय करना होता है स्पष्ट रूप से तथा तर्कानुसार प्रस्तुत करता है, साथ ही उन बातों की ओर भी संकेत करना है जिनके आधार पर उपयुक्त निर्णय लिया जाता है। टिप्पणी लेखन में यथासंभव संक्षिप्त को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, उसमें तथ्यों का प्रवाहमान संकेत पर भर दिया जाता है और तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां तक हो सभी टिप्पणियों में अनुच्छेदों का प्रयोग टालना चाहिए, किंतु यदि संभव न हो पाए तो प्रथम अनुच्छेद के बाद 2-3-4 क्रमानुसार संख्या देनी चाहिए। टिप्पणी की भाषा सदा संयत सरल और यथासंभव संक्षिप्त तथा विनय गर्भित होनी चाहिए। टिप्पणी सदा अन्य पुरुषों में लिखा जाना चाहिए। 5 विचाराधीन पत्र के विषय का उल्लेख करना चाहिए, साथ ही पत्राचार की पृष्ठ संख्या पेंसिल से लिखनी चाहिए। 6 है भाव नई पावती का उल्लेख करते हुए यदि यह संबंध में पहले से पत्राचार निर्णय आदेश आदि हो तो उसका उल्लेख होना चाहिए। 7 हाशिए को छोड़कर लिखना चाहिए, हाशिए में ही पूर्व संकेतों पृष्ठ संख्या तथा पता का आदि का उल्लेख स्पष्ट किया जाता है। हाशिया पर्याप्त होना चाहिए क्योंकि उच्च अधिकारी की भी उसका उपयोग अपने संकेतों के लिए कर सकते हैं। टिप्पणी लिखने वाले को बाई और अध्याक्षर भी करनी चाहिए। टिप्पणियों कर्ता को चाहिए कि टिप्पणी वे वह किसी तरह का कोई व्यक्तिगत आक्षेप न लगाए, उसे ठंडे दिलो दिमाग से टिप्पणी लिखनी चाहिए। यदि किसी प्रकरण विशेष के विभिन्न पक्षों पर उच्चाधिकारी ने आदेश लेना अपेक्षित हो तो उस स्थिति में या तो अलग अलग टिप्पणी प्रस्तुत करना चाहिए या फिर टिप्पणी को वर्गों में विभाजित कर प्रत्येक वर्ग अथवा भाग जैसे क और ख और यदि अधिक हो तो सभी का नामोल्लेखन कर उसका लिए संयुक्त आदेश देने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह से टिप्पणी किस तरह की होनी चाहिए ये उन्होंने बताया है। तो आज हमने संक्षिपण के कुछ उदाहरण देखे कि संक्षेपण कैसे लिखा जाता है, उसके हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, 6 उदाहरण देखे
उसमें उन्होंने एक पैराग्राफ दिया था और उसमें वही पैराग्राफ चार लाइनों में संक्षिप्तीकरण कर बिना उसका अर्थ बदलते हुए कैसे लिखना चाहिए वो उन्होंने हमें बताया है। उसके बाद उसको कैसे समर्पक शीर्षक देना चाहिए वो हमने देखा। उसके बाद टिप्पणी का मतलब क्या होता है और टिप्पणी का एक अर्थ या व्याख्या किस तरह की होती है, ऐसे महापुरुषों की या जो भी विद्वान लोग हैं उनके अलग अलग विचार सोच हमने टिप्पणी के बारे में देखे। तो अगले सेशन में अगले भाग में हम टिप्पणी के प्रकार देखेंगे। आज जितना भी हमने संक्षेपण के उदाहरण देखे, टिप्पणी का व्याख्या अर्थ देखा, वो भी आप अच्छे से घर पे रीड करो समझो। इसके आगे का जो उर्वरित भाग बचा है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।